दोस्तों मैं कैलाश रहेगा और आप देख रहेगा टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं ये बात बताना चाहूंगा कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है दानिश जैन, दानिश जैन, दानिश जैन, दानिश जैन अभी भी जिंदा है, दानिश जैन अभी भी जिंदा है। ये फेक न्यूज मैं देख रहा हूँ, एक वीक से चल रही है, यो बिल्कुल फेक है। दानिश जैन बिल्कुल बेचारा कहाँ जिंदा यार, वो कार से एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होते तुरंत ही इसके पेट में एक पत्थर घुसा था और पत्थर घुसते उसने यार दम तोड़ दिया, तो वो कहाँ जिंदा है यार। अब वीडियो यूट्यूब पर इतनी वायरल हो रही है कि वो भी जिंदा है, यूके में उसकी सर्जरी हो रही है, अभी वो वीडियो अपलोड करने जा रहा है, अभी वो इंस्टाग्राम पर आया है, अभी फेसबुक पर आया है, अभी वो जिंदा है, अभी वीडियो अपलोड करेगा। तो यार कहाँ वीडियो अपलोड करेगा वो, पता नहीं। ये व्यूज़ और सब्सक्राइबर पाने के लिए यूट्यूब पर धूम मचा दी इसने, और वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है दानिश जैन। तो भाई दानिश जैन की मृत्यु हो चुकी है, ये निश्चित है, तुरंत ही हो चुकी है। जैसे वो कार से इसके सामने एक पत्थर आया था, वो अचानक से टर्न मारा, टर्न मारते ही गाड़ी एक साइड उलट गई और वह गाड़ी सी स्पीड से दोनों फाटक खुल गई। तो उसमें बंदे थे वो सारे, एक तो एकदम जिंदा और छह बच गया था, लेकिन ये दानिश जैन है, वो ड्राइवर रहा था, खुद वो ड्राइव करता गाड़ी, ड्राइव कर रहा था गाड़ी को, और जैसे ही उसको पत्थर आया तो उसके पेट में पत्थर घुस गया, घुसा वो यार पेट में पत्थर घुसते थे, आपको पता है कि दम तोड़ दिया उसने और वो खत्म हो गया। तो वो वहीं से ख़त्म हो गया भाई, कि बस, और बात भी वहीं से ख़त्म है कि भाई वो ख़त्म हो गया है। तो ये तो मैं नहीं कहता कि भाई किसी भी प्रकार चैनल वीडियो अपलोड क्यों करते, वीडियो अपलोड कीजिए, बताइए भाई दानिश जैन ख़त्म हो गया, लेकिन ये फालतू की और बेकार न्यूज़ क्यों देते हो यार कि वो ख़त्म हो गया, दानिश जैन अभी भी जिंदा है, ठीक है ना। तो वो ख़त्म हो चुका, अभी भी जिंदा नहीं है, ये फालतू की न्यूज़ देखने में कुछ भी मतलब नहीं है, बेचारा वो तो ख़त्म ही हो गया ना। तो ठीक है, ये थी न्यूज़, और ये दानिश जैन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भाई यूके में है, वहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सब कुछ फेक है। और मैंने अभी दानिश जैन के है ना घर वाले अभी लाइव में बताए थे सारे, उससे मैंने देखा था, उसमें बातचीत की थी दानिश जैन के सारे भाई, और जो एक दानिश जैन का दोस्त था वो एक्सीडेंट हुआ ना, वो साथ में था, उसने सारी रियल स्टोरी बताई कि यार ऐसा ऐसा हुआ, हम शादी में गए, वापस आए और ऐसे एक्सीडेंट होकर ऐसा वो दानिश जैन है वो दम तोड़ दिया। तो उसने सारी डिटेल से समझाया, तो मैंने देखा है। और अभी अभी आप दानिश जैन के चैनल पर जाकर देख सकते हो, अभी उसने लाइव में अच्छी तरीके से समझाया, उसमें मैंने लाइव में बातचीत की। तो यार ये फालतू की फेक न्यूज़ कोई भी यूट्यूबर है वो मत देगी, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत ही